Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing set theory, and this is a lecture number 5. I hope you have already understood and watched part 1 to 4 before watching this part 5. So, today we are going to talk about the disjoint set. In the last class, we talked about the intersection of set. Today we are going to talk about the disjoint set. तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है वो हम समझते हैं पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या करते थे कि इंटरसेक्शन में हमने पिछली क्लास में जैसा पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट इज ए सेट इन विच देयर इज ए कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स, टू और मोर सेट्स। इवन दो सेट का इंटरसेक्शन करना है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, और तीन सेट का अगर करना है तो तीनों में जो कॉमन होंगे वो लिखेंगे। इसी तरह से आगे भी होगा। तो कॉमन एलिमेंट्स अगर कुछ कॉमन हो ही ना, दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। सो टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ एंड ओनली इफ देयर इज नो एलिमेंट्स कॉमन, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? So two sets A and B, are said to be disjoint sets. If A intersection B is equal to 5. 5 मतलब there is no equal. That is, two sets are said to be disjoint sets. Sets are said to be disjoint sets. If there is no, element common, ठीक है? तो अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो इसका क्या अर्थ होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लेते हैं, x such that x is an even natural number, ठीक है, और एक दूसरा सेट ले लिया a is equal to b is equal to x such that x is an odd natural number, तो even natural number और odd natural number दोनों में क्या कॉमन हो सकते हैं? अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो ये क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट इज एम्प्टी सेट्स। और 5 ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इवन टोटली डिफरेंट होता है ऑड से, और दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे मान लीजिए कि ए के बारे में अगर लिखो तो इवन के तौर पर क्या लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। बी ऑड नेचुरल नंबर तो क्या लिख सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे कुछ। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। तो अब सवाल ये है कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो वेन डायग्राम जो होगा वो दोनों के सेट के हिसाब से हम लिख देंगे। एक सेट ये है और एक सेट ये है, बट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स। दोनों ही अलग अलग सेट लिख देंगे और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इस तरीके से दोनों ही सेट अलग अलग है, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, तो इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। तो ये दो सेट हो गए और इसको हम कह देंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके आधार पर और समझने की कोशिश करते हैं कि डिसजॉइंट सेट है क्या, है ना? तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। एक सेट लिखा है 1, 2, 3, 4, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, 4, एंड दूसरा एक सेट है जो बी है, इसके बारे में लिखा है कि जो नेचुरल नंबर 4 और मोर देन 4, 4, 5, 6 ये नेचुरल नंबर है 4 से 6 के बीच में। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो दोनों में ही 4 कॉमन,
फोर, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है एंड देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ये फाई नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। यहां पे लिखा है, अब इसको मान ले हम कि ये जो चीज लिखा है ये ए इज इक्वल टू, ये भी एक सेट मान लेते हैं कि ए और इंटरसेक्स इज इक्वल टू ये ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में ये सारे वॉवल्स हैं, लेकिन यहाँ पे ई है, दोनों में, दोनों में ही ई है, देखिए ई दोनों में है एंड सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी तरह से हमारा एक दूसरा जो आ गया, ये अगला सवाल है, ए इज इक्वल टू मान लें एक सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर यानी इंटीजर, जीरो टू फोर, ये इंटीजर लिखा है, सो इंटीजर कैन बी लाइक जीरो टू फोर सिक्स एट टेन, ऐसा ये सारे इवन इंटीजर्स हो गए, और बी है ऑड इंटीजर्स, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ये सब क्या है, ऑड इंटीजर्स, यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर होता तो जीरो नहीं लेते। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी हो गया फाइव एंड देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। तो ये बताना था कि कौन इसमें से डिसजॉइंट सेट है और कौन इसमें से डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटीजर लिखा है, इंटीजर कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव एज वेल, बट हम निगेटिव इंटीजर भी लिखेंगे ना, तो वो भी और पॉजिटिव और इंटीजर लिखे तब भी, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें दोनों ही हो सकते हैं, बट कुछ कॉमन तो होगा नहीं, ये श्योर है कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सो दैट इज वाई ये कहे जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स, इसमें आप निगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये समझने के बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरा चीज जिसको कहते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, उम्मीद है डिसजॉइंट ऑफ सेट आप समझ गए होंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि दो सेट में से, ए डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो माइनस का साइन देते हैं, निगेटिव का साइन देते हैं, और ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए में से बी को निकाल लिया, यानी एनी एलिमेंट्स, अगर बी का कोई एलिमेंट्स ए में है तो अपना ले जाएगा, अपना निकाल लेगा, तो उसको हम कहेंगे ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर लिया। माइनस करने का मतलब यहाँ कोई मैथमेटिकल चीज वैसी नहीं है कि आप कोई चीज माइनस कर लेंगे, बट माइनस करने का मतलब है कि बी के एलिमेंट को निकाल लिया, तो सिर्फ ए के जो बच जाएंगे उसको हम कहेंगे कि ये है ए माइनस बी, मतलब ओनली ए को कह सकते हैं ए माइनस बी। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ ये देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अगला टॉपिक हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, ये है टॉपिक हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये टू अगर सेट्स है, कोई भी लिख सकते हैं ऐसे डेफिनेशन में कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, बी आर एनी टू सेट्स सच दैट ए माइनस बी इज डिफाइंड एज, ए माइनस बी इज डिफाइंड एज एज ए सेट इन विच elements of A are present, present which are not elements of B, which are not elements of B, elements of B, तो इसको हम कहते हैं A intersection A minus B. So mathematically it is defined as, mathematically it is defined as A minus B
is equal to x such that x is an element of A and x does not belong to B. यानी A में तो होना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए, ऐसा A माइनस B. सिमिलरली अगर B माइनस A लिखते हैं तो क्या मतलब हुआ, x such that x belonging to B and B में होना चाहिए लेकिन A में नहीं होना चाहिए, does not belong to A. तो इस तरीके से हम A minus B को define कर सकते हैं. अगर Venn diagram की बात करें तो Venn diagram में आप A minus B और B minus A कैसे निकाल सकते हो, ये देखिए, ये मान लेते हैं कि सेट A है और ये एक सेट ले लेते हैं जो B है. तो ऐसी स्थिति में ये B है ना, एक सेट A है एक सेट B है. तो A और B में क्या कॉमन है पहले ये देखेंगे. तो ये A है और ये वाला सेट B है. सो व्हाट विल बी हैपन, A और ये सेट आप मान लेते हैं कि B. अब A माइनस B का मतलब ये हुआ कि A में से B के एलिमेंट्स को निकाल लिया, तो जो बच गया उसको कहेंगे ओनली ए. ये जो बच गया इसको हम कहेंगे ओनली ए, ठीक है, इसको हम कहेंगे ओनली ए, या यही होगा ए माइनस बी. सो दिस वन इज डिफाइंड एज ए माइनस बी, ठीक है. ये पूरा का पूरा जो होगा ये होगा ए माइनस बी. इसी तरह से ये जो होगा ये कहलाएगा बी माइनस, बी में से ए को निकाल लिया तो ये कहलाएगा बी माइनस. So this one is totally, ये जो पूरा एब्स्ट्रैक्ट रीजन है ये कहलाएगा b माइनस a, है ना, और ये कहलाएगा हमारा b माइनस, ठीक है. और यहां से ऐसे समझ लेते हैं ये b माइनस a है और ये वाला जो हिस्सा है ये जो हमने कहा है ये हो गया a माइनस b. ये जो है ये कहलाएगा a माइनस b. तो आप a माइनस बी और ये b माइनस ए, यानी a इंटरसेक्शन b दोनों में से गायब है, ये समझ लीजिए. तो हम ये भी कह सकते हैं कि a माइनस बी इज नथिंग एल्स बट a माइनस बी इज नथिंग एल्स बट a माइनस a इंटरसेक्शन b, ये भी क्या कह सकते हैं, है ना. आप ध्यान से देखिए इसमें a माइनस बी का मतलब हुआ a माइनस a इंटरसेक्शन b. उसी तरह से b माइनस ए का मतलब हुआ b माइनस ए इंटरसेक्शन b. जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम निकाल लेंगे तो बच जाएगा क्या a माइनस b और b माइनस a. यानी जो कॉमन है उनकी पूछ न तो a की तरफ है न b की तरफ है, दोनों में से कोई उसे पूछता नहीं है. तो a माइनस b का मतलब हुआ a में से b के एलिमेंट्स को निकाल लेना. एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप समझ पाएंगे. लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू, ये लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू लिखा है 3 5 7 9 11, ठीक है. अब यहाँ पर a माइनस बी क्या होगा, तो यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा कितना होगा बताइए. इसमें कौन कौन एलिमेंट्स हैं जो b में भी है, 3 और 5, तो बच जाएगा 1 2 4 a के. और b माइनस a लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, एक कौन सा एलिमेंट है जो ए के हैं, तो 3 भी ए के हैं और 5 भी ए के हैं, तो यहाँ बच जाएगा 7 9 और 11. तो इस तरीके से आंसर होगा ए माइनस बी और बी माइनस ए. अगर वेन डायग्राम से करना चाहें तो इन दोनों ही सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, है ना, और इन दोनों सेट को रिप्रेजेंट करने के बाद ये दो सेट होगा मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ. तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो 3 और 5 है, तो 3 और 5 कहाँ रखेंगे, दोनों में रखेंगे, है ना, 3 और 5 दोनों में रखेंगे, यहाँ 3 और 5. तो यहाँ पे 3 और 5 लिख दिया, 3 और 5 ये दोनों में है. बाकी इसमें क्या क्या है, इसमें है 1 2 4, तो 1 2 और 4 यहाँ लिख दिया. इसमें 3 और 5 है और 7 9 11, तो देखिए आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं कि a माइनस b का मतलब ये होगा कि a में जो है और b में नहीं है, वेन डायग्राम से, है ना.
तो ये रीजन कहलाता था ए माइनस बी। तो उसमें क्या क्या है, उसमें है आपका 3, 5, 7, ये रीजन जो था इसमें ये है ना, ये रीजन 4 रह गया, और इस रीजन में जो है वो रह गया 7, 5, 11 है ना। तो ये ओनली ए ओनली, तो ये इसका मतलब हुआ। इसको आप ये भी कह सकते हैं ओनली ए ओनली ए, और इसको कह सकते हैं आप ओनली बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी इज बेसिकली ओनली ए, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये है ओनली ए। बी माइनस बी का मतलब ओनली बी, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि इस तरह का ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ और बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए के कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। ओके तो पहला सवाल है यहाँ पे, देखिए ये पहला सवाल है कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू सेट के बारे में दिया हुआ है, और डी भी दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे वैसे ही 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और इसमें से हमें माइनस करना है क्या, या सीधे लिख दूं क्या। चलो ये लिखने का झमेला हटाते हैं, वैसे आपको लिखना चाहिए, चलो लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, बी का मतलब 4, 8, 6, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 16, 12 एंड 20, 12 एंड 20, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या ऐसा है जो दोनों में है, देखिए यहाँ पे 12 है जो दोनों में, 12 है एक तो दोनों में है, ये 12 दोनों में है ना, और 20 है क्या, नहीं है, 20 नहीं है, 16 भी नहीं है, 8 भी नहीं है दोनों में, और 4 भी नहीं है। तो सिर्फ 12 को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, बस ये हो गया आंसर। इसी तरह से दूसरा में लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें लिखा है ए माइनस सी। तो ए का मतलब तो वही हो गया 3, 6, 9, 12 एंड 15, 18 एंड 21, और बी का मतलब, सी का मतलब क्या हो गया, सी में है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, यस 6 कॉमन है, तो 6 को हटा देंगे, 8 कॉमन है नहीं है, 10 कॉमन है नहीं है, 12 कॉमन है, 2 कॉमन है इसमें, है ना। तो इन दोनों को हम इसमें से निकाल देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, 9, 15, 18 एंड 21, दैट वुड बी ए माइनस सी। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसी तरह से ए माइनस डी का मतलब क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे लिख देता हूँ, ऊपर वाला नहीं लिखता हूँ, सीधे सीधे लिख देता हूँ। ए में से डी गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये है ए, और डी क्या है, तो डी है हमारा 5, 10, 15, 20। अब 20 है क्या दोनों में है, नहीं है, 15 है, 15 दोनों में है, 10 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो सिर्फ एक 15 को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12 एंड 18 एंड 21, 21, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, 21, 21, तो ये हो गया इसका आंसर ए माइनस डी। अब उल्टा करते हैं, बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या होगा, तो बी पहले लिखेंगे, और बी जो है हमारा क्या है, बी है 4, 8, 16, 12, 20, और ए क्या है, ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। एक 12 भी है जो दोनों में कॉमन है, तो अब ये 12 कुछ हटा देंगे, तो बी के बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे, मतलब 4, 8, 16 एंड 20, ये आंसर होगा। इसी तरह से सी माइनस ए करना है कहीं, तो हम पहले सी का एलिमेंट्स लिखेंगे, है ना। सी का एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो सी के एलिमेंट्स हैं हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, और ए के एलिमेंट्स हैं क्या, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21।
अब इसमें से कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है सिर्फ 12 और 6, 6 और 12 दोनों में कॉमन है, 6 और 12 दोनों में कॉमन है, तो 6 यहाँ पे हटा देंगे तो मिल जाएगा 2, 4, 8, 10 एंड 14, दैट इज सी माइनस ए। इसी तरह से अब ए माइनस डी हमें करना है, तो ए माइनस डी को क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे ए, ए का मतलब क्या है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और इसमें से ए क्या है, तो ये तो ए है, पहले हमने ए लिख दिया, पहले हमें लिखना चाहिए डी, पहले हमें क्या लिखना चाहिए डी, ये डी लिखेंगे पहले, और ए माइनस डी था यहाँ, तो डी लिखेंगे तो 5, 10, 15, 20 ये है डी, और ए है 3, 6, 9, 12, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 ये है। तो अब इसमें से निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा इसमें से कॉमन, 15 दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, है ना, और यहाँ पे बच जाएगा 5, 10 और 20, तो ये हो गया 5, 10 और 20। इस तरह से बहुत ही आसान सा है, आप कर सकते हैं। और b माइनस सी निकालना हो तो b क्या है, तो b है हमारा, b है 4, 8, 4, 8, यहाँ पे लिखा हुआ है b, देखिए 4, 8, 12, 16, 20, और c क्या है, तो c यहाँ पे लिखा हुआ है, c का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना। अब इसमें से 12 दोनों में है, 8 भी दोनों में है ना, तो और 4 भी दोनों में है, 4 भी है और 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो ये सब तीन निकल गए, तो बच गए सिर्फ दो, 16 और 20, है ना, ये आंसर है। इस तरह से b माइनस डी के बारे में हम अगर कहें तो b को लिख सकते हैं क्या, b के बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4, 8, 4, 8, 12, 16 एंड 20, डी हो गया। डी के बारे में तो डी क्या है, 5, 10, 5, 10, 15, 20, है ना। अब इसमें से निकाल क्या निकाल सकते हैं, 5 दोनों में है, नहीं है, 10 है, नहीं है, 12 है, नहीं है, 15 है, नहीं है, सिर्फ 20 है जो दोनों में कॉमन है, तो 20 निकल जाएगा इसमें से, तो बचेगा 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 और 16, यही बचेंगे आंसर होगा। इसी तरह से c माइनस बी अब निकालना है, तो एक ये भी देख लेते हैं, c क्या होगा बताएं, तो c जो है वो है लिखा हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 12, 10 और 14, है ना, ये है। इसमें से b माइनस करना है, तो b जो है वो क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20। अब इसमें से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से बचेगा यहाँ पे बच जाएगा, इसमें से 4 दोनों में है, 4 निकल गया, 6 दोनों में है क्या, नहीं है, 8 है क्या, यस 8 है दोनों में, 12 भी है दोनों में, है ना, 16 है, 20 इसमें नहीं है, तो ये सब निकल गए तो बच गए 2, 6, 10, 12, 14, ये बचे। अब डी माइनस बी लिखने का तरीका क्या होगा, तो डी में है 5, 10, 15, 20, ये है डी, और बी क्या है, तो बी है बेसिकली हमारा 4, 8, 10, 4, 8, 12, 16, 20, है ना। अब इसमें से 10 दोनों में नहीं है, 5 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, सिर्फ 20 है जो दोनों में है, तो इस 20 को निकाल लेने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5, 10, 15, ये हो गया आंसर, है ना, तो यहाँ से ठीक है, ओके। नाउ सी माइनस डी क्या होगा, अब देखिए सी क्या है, तो सी है हमारा 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, ये है, और डी क्या है, डी है हमारा 5, 10, 15, 20, तो अब बताइए इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, 5 दोनों में नहीं है, 10 है दोनों में, है ना, और 15 भी नहीं है, तो सिर्फ 10 को हटा के बाकी सारे लिखने हैं, तो ये आ जाएगा 2, 4, 8, 6, 12, 14, एलिमेंट्स आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले 6 लिखना चाहिए था,
लेकिन कोई बात नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे एलिमेंट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डी माइनस बी, तो डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है 5, 10, 15, 20, और सी का मतलब क्या है? तो सी है 2, 4, 6, 8, 10, 14, 12, 14, है ना। अब इसमें क्या क्या कॉमन है? 5 दोनों में नहीं है, 10 है जो दोनों में है, और बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो आप लिख सकते हैं 5, 15 और 20, ये बच गए डी के एलिमेंट्स, दैट विल बी आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी, आप जो भी सवाल इसके करना चाहें आप बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के, है ना। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब अगला सवाल है, ये देखते हैं कि लिखा है x इज इक्वल टू ए बी सी डी और y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का मतलब वही हो गया, हम लिख देंगे ए बी सी डी माइनस ये है बी डी एफ जी, है ना। तो डी जो है और बी जो है ये दोनों में है ना, तो ये हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ए और सी आंसर। वाई माइनस एक्स लिखना है तो यही हो गया बी डी एफ जी, वाई है। अब फिर बाद में एक्स लिखिए ए बी सी डी, है ना। तो ये ए बी सी डी में से क्या निकल गया, इसमें बी और डी यहां से निकल गया, तो बच गया क्या एफ और जी। ऐसे एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो क्या है कॉमन एलिमेंट, बी और क्या है, बी और डी, दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो ये लिख देंगे, है ना। तो ये आंसर। अगला सवाल है 11th क्वेश्चन, ये लिखा है कि इफ एक्स आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन फाइंड आर माइनस क्यू। तो आर माइनस क्यू का मतलब हुआ रियल नंबर, रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर। तो रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज व्हाट, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, एंड व्हाट इज दैट, इरेशनल नंबर। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर, ये आंसर हो गया इसका, बड़ा ही आसान सा है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ये कह रहे हैं कि डिसजॉइंट सेट्स है, तो डिसजॉइंट सेट के लिए हमें इंटरसेक्शन करके देखना पड़ेगा। तो 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 3। सो सिंस इंटरसेक्शंस आर नॉट 5 होना चाहिए ना, एम्प्टी सेट होना चाहिए, इसलिए कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट्स है, नो no। तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना, दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, और ये हो गई फॉल्स। यहां पे लिखा है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, देखिए ए ई आई ओ यू एक सेट हो गया, है ना, और इसी तरह से इंटरसेक्शन ए बी सी डी, इसमें भी कॉमन है ए, दोनों में है, इसलिए ये भी फॉल्स है, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। ओके, तो ये हो गया कि ये फॉल्स लिखा है। तीसरा जो है वो देखते हैं क्या है, इसमें लिखा है टू आर डिसजॉइंट सेट्स, ये देखते हैं 2, 6, 10, 14, और इसमें क्या है यहाँ पे 3, 7, 11, 15, कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे ऑड नंबर है, ये सारे इवन नंबर है, नथिंग इज कॉमन, इसका मतलब 5, सो यस दे आर ट्रू लिखा है, ये ट्रू हो गया, ये डिसजॉइंट सेट है। 2, 6, 10 और इंटरसेक्शन क्या होगा, 3, 7 और 11, तो ये इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी है ट्रू। तो पहले दो फॉल्स हो गए और आखिरी के दो ट्रू हो गए, बस यही है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये तो थर्ड फोर्थ क्लास में होनी चाहिए, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन 11th में है, और आप
को पसंद आए होंगे, आप सारे सवाल के जवाब सीख पाए होंगे और कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी, न आएगी आगे। अगर आएगी तो हम बैठे हैं, आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं और मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी तो वही है, और arvindsingacademy@gmail.com, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, और फ्री में पढ़िए, एकदम फ्री में, पूरी 11th 12th सब फ्री में पढ़िए, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मन लगा के पढ़िए, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। और ये फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।